बीजेपी की बैठक की। बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक अब भी जारी है। बीजेपी उम्मीदवारों के साथ ही मंथन हो रहा है, बीजेपी के दिग्गज नेता इसमें मौजूद है। बता दें सभी 11 उम्मीदवार बैठक में शामिल हो चुके हैं और आगे आखिर किस रणनीति के तहत बढ़ना है इस पर मंथन बीजेपी में हो रहा है। तमाम पहलू, तमाम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। मंथन हो रहा है कि आखिर अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, चूंकि प्रत्याशी भी अब घोषित कर दिए गए हैं, तो आखिर किस रणनीति के तहत अब सभी प्रत्याशियों को चलना है, क्या क्या काम करने हैं, किन काम में अब लग जाना है, उन पर मंथन हो रहा है। कहां से लड़े, क्या लड़े, पहले आए आप जैसे पत्रकार भाई पूछे थे कि राजनांदगांव जाना चाह रहे थे, मैं बोला भैया ध्रुव रहना चाहिए, उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहीं से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी माननीय नितिन नवीन जी, माननीय शिवरतन जी, पवन साय जी, अजय जी, जामवाल जी, सबका मार्गदर्शन मिला जी और सबको प्रत्याशियों को उन्होंने सम्मानित किया और मैदान में उतरने के लिए रण क्षेत्र में उतरते हैं तो आयुध से सुसज्जित होकर के, शस्त्रार्थों से सुसज्जित होकर के जाते हैं, तो हम सब पूरी तैयारी के साथ अपने अपने लोगों। तो बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, आखिर क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है, युगल से जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बड़ी बैठक बीजेपी की हो रही है चूंकि प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, तो इस लिहाज से इस बैठक को बेहद ही महत्वपूर्ण माने, चूंकि आगे किस रणनीति के तहत अब बीजेपी को आगे बढ़ना है, चुनाव नजदीक है, इसी पर मंथन हो रहा होगा। जी देखिए, बिल्कुल प्रत्याशियों का चयन एक अलग बात है, उसके अलावा जो प्रबंधन है एक बड़ी बात होती है। चुनावी प्रबंधन किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से मैदान में जाना है, किन मुद्दों को लेकर के जो आम मतदाता हैं उनके बीच जाना है, ये सारे प्रशिक्षण हैं, ये सारे गुर हैं, सभी 11 उम्मीदवारों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कई ऐसे जो सांसद भी हैं, जो अनुभवी भी हैं, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और वो सांसद के रूप में जो हिस्सा सदन में भी हिस्सा लिया है, उनकी जो अनुभव है वो भी साझा किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यही है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से, जिस तरह से संतोष पांडे जी कह रहे थे, सांसद हैं, प्रत्याशी भी हैं, कि पूरा आयुध शस्त्र सभी जो ले करके वो मैदान पर उतरने के लिए, रण में उतरने के लिए तैयार हैं, तो एक एक टिप्स हैं वो दिए जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि सभी प्रत्याशियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से ले भी जो है तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ जो मुद्दे होंगे, किस तरह से विपक्षों पर हमला बोलना है, किस तरह से कांग्रेसियों पर निशाना साधना है, तमाम है वो सिखाए जा रहे हैं। और अभी बैठक से पहले मैं हूं मोदी का परिवार एक जो कैंपेन है वो चलाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि सभी प्रत्याशियों को यहां पर जो अनुभवी नेता हैं, संगठन के जो शिल्पकार हैं वो हैं, और जो सांसद हैं और मंत्री हैं, सभी उन्हें गुर सिखाए जा रहे हैं और लक्ष्य है कि 11 की 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा है उन पर जीत दर्ज करना। जी 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 ठीक, बैठक अभी भी जारी है, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। उधर छत्तीसगढ़ को लेकर खबर है कि कांग्रेस ने सभी सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। कल दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी ने नाम तय कर लिए। सूत्रों के मुताबिक 6 सीटों पर सिंगल नाम को हरी झंडी मिली, तो वहीं 5 सीटों पर नाम के पैनल बने हैं। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया को चुनाव लड़ाना जो है वो तय है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ज्योत्सना महंत को भी टिकट मिलेगा। कांग्रेस में अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही घमासान शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वो बेटे के टिकट के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मच गया है। कवासी लखमा ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वे बेटे के लिए टिकट की मांग करने दिल्ली पहुंच गए। उनके साथ बस्तर कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। दीपक बैज बस्तर से सांसद हैं। इस बार दीपक बैज के साथ ही कवासी लखमा और हरीश लखमा का नाम लोकसभा टिकट के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। कहा जा रहा है कि कवासी लखमा और समर्थकों की इच्छा है कि टिकट हरीश को ही मिले।
इधर बस्तर में कांग्रेस में टिकट के लिए मची खींचतान ने बीजेपी को मौका दे दिया और विधायक रेणुका सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि लखमा और दीपक बैज की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलेगा। पहले भी भूपेश बघेल और सिंहदेव की लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिल चुका है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएस बाबा के बीच में कुर्सी को लेकर लड़ाई चली और इस तरह अब सरगुजा से अलग हटकर बस्तर में कवासी लखमा और दीपक बैज के बीच में चल रही है। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, सांसद रहते हुए, एक युवा नेता होते हुए उस क्षेत्र की जनता ने उनको हरा दिया, बीजेपी को जिताया, तो आप समझ सकते हैं। और कवासी लखमा, उन दोनों के बीच में झगड़ा बहुत पुराना है, इसका हमें बस्तर में बहुत लाभ होगा। एक तरफ बीजेपी ने जहां छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में अब भी लिस्ट पर संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। छत्तीसगढ़ में रामलला के दर्शन के लिए सरकार योजना चला रही है। यहां से लोगों को ट्रेन से अयोध्या भेजा जा रहा है सरकारी खर्चे पर, लेकिन राम पर सियासत बंद नहीं हो रही। सरकार की इस योजना पर कांग्रेस तंज कस रही है। रिपोर्ट देखिए। रामलला के दर्शन के लिए रायपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या रवाना हुई। 850 राम भक्त रामलला के दर्शन करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि बिलासपुर और अंबिकापुर से भी ट्रेन रवाना होंगी। साथ ही सीएम ने कहा कि वो मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी का वादा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो रामलला दर्शन योजना लागू करेंगे, जिसमें सरकारी खर्चे पर राम भक्तों को भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ आज से हो रहा है। इधर रामलला दर्शन योजना पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए आस्था का इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इस तरह का प्रोपोगंडा अपना रही है ताकि लोग दर्शन करने जाएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हमने शुरू से कहते आ रहे हैं कि आस्था अपनी जगह पे है और दर्शन अपनी जगह पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान राम के नाम से एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो लोकसभा चुनाव है और चुनाव दर चुनाव इस चुनाव में भी राम पर सियासत हावी है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी पर राम के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी लोगों को रामलला के दर्शन करा रही है। अब जनता किसका साथ देगी, ये तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गरियाबंद में राजम कुंभ चल रहा है और प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा कथा कर रहे हैं। उन्होंने इशारों इशारों में कांग्रेस पर तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से कुंभ अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि 5 बरस से कोरोना था, इसीलिए सभी मुंह पर पट्टी बांधे बैठे थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। आज मौका मिला है। भूमि का जो एक अलौकिक दर्शन है, सबने अपना भाव व्यक्त किया। 5 वर्ष से राजिम कुंभ ठीक तरह से नहीं हो पाया क्योंकि 5 वर्ष से कोरोना था। 5 वर्ष से जम के बोलो कोरोना था, इसलिए तुम भी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे थे और जितने आने वाले थे वो भी मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे थे, कोई बोल नहीं पा रहा था और नजदीक कोई जा नहीं सकता था क्योंकि छूने की बीमारी थी, इसलिए कोई बोल पाया नहीं, पास में कोई जाकर बोला नहीं,
पर आज जो मौका मिला है। जगदलपुर के चित्रकूट महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण उन्होंने किया, शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने 340 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया और बस्तर वासियों को चित्रकूट महोत्सव की शुभकामनाएं दी। हमारे इस बस्तर को कई विभिन्न कार्यों की सौगात आज इस मंदिर का व्यवहार योजना। ये महोत्सव भव्य होते जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं है कि आने वाले समय में इस महोत्सव की भव्यता और बढ़ते जाए और आज के इस अवसर में बस्तर संभाग के कुल 643 विकास कामों का भूमि पूजन और शिलान्यास किए हैं। कुल 208 करोड़ 32 लाख रुपए का मैं बस्तर संभाग के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। अब आपको सुनाते हैं मोदी के परिवार पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा। अब देखिए, कुछ लोग विरोध करते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी जी का तो पूरा देश है, 148 करोड़ लोग उनके परिवार के लोग हैं। धन्यवाद। व्यक्ति को जो दिन रात काम करते हो समाज के लिए, देश के लिए, उसको कहा जाए कि इनका परिवार नहीं है तो बताना तो पड़ेगा ना कि इनका परिवार है। भाई, हम सारे लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, वह सबको परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है उनका, और ऐसे बोला जाए तो ये तो गलत है ना। रायपुर में नाबालिग बच्चों के साथ के बीच प्रेम प्रसंग में चाकूबाजी हुई है। एक लड़के ने दो भाइयों को चाकू मार दिया। वारदात तब हुई जब नवी का छात्र परीक्षा देकर स्कूल से निकल रहा था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच विवाद हुआ, फिर दोनों भाइयों को चाकू मार दिया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। छात्रों की खुदकुशी की घटनाओं से अंबिकापुर दहल उठा है। यहां बीते 3 महीनों में 7 नाबालिग स्कूली छात्रों ने खुदकुशी कर ली। शासकीय स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों में घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। खुदकुशी की घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई जो स्कूलों में जाकर छात्रों, पेरेंट्स और शिक्षकों से चर्चा कर रही है। कमेटी के सदस्यों ने एमजी रोड स्थित एक निजी स्कूल में बैठक भी की और इस पहल पर अभिभावकों ने खुशी जाहिर की। पेंड्रा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां इलाज नहीं मिलने से महिला और नवजात की मौत हो गई। लापरवाही का आरोप स्टाफ की जो नर्स है और ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पर लगा है। वहीं मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि अमारू गांव की महिला को प्रसव के लिए यहां लाया गया, लेकिन परिजनों का कहना है कि सही इलाज नहीं मिलने की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। कोरबा में शराबी शिक्षक का कारनामा सामने आया। शराब के नशे में धुत ये शिक्षक स्कूल टाइम पर नहीं पहुंचा और ग्रामीण के घर सोते हुए ये शिक्षक मिला। ग्रामीणों ने शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। पोड़ी उपरोडा ब्लॉक के ग्राम सरभोका का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शिकायत की है। बीईओ ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी है। यहाँ कैसे होते हैं स्कूल टाइम में? बीजापुर का जिक्र करेंगे। यहां पर नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। 5 किलो का आईईडी बरामद किया गया है। जवानों ने आईईडी को रिफ्यूज भी कर दिया। लगातार कायराना करती जो है नक्सलियों के सामने आती है और एक बार फिर से जो है यहां पर आईईडी इनके द्वारा लगाया गया था। बीजापुर का हम जिक्र कर रहे हैं जिसे जवानों ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया और नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। 5 किलो का ये आईईडी था जिसे बरामद किया गया और डिफ्यूज किया गया। टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के साथ ज्यादा समय बिताने वाले छोटे बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और इस तरह के मामले छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सामने आ रहे हैं। क्या है ये बीमारी और डॉक्टरों का इसके बारे में आखिर क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए आप। स्क्रीन टाइम जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के चलते बच्चे तेजी से वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार हो जा रहे हैं।
जिला अस्पताल रायपुर मेडिकल कॉलेज में हर महीने 30 से 40 केस आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के अन्य अस्पतालों में भी वर्चुअल ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के केस बढ़ रहे हैं। क्या है वर्चुअल ऑटिज्म? सामान्य बच्चा 2 साल तक बोलना सीख जाता है। स्क्रीन टाइम के चलते बच्चे उसी में खो जाते हैं, समय पर बोलना नहीं सीख पाते, मानसिक विकसित भी नहीं हो पाता है। बचाव के लिए क्या करें? बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें, मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दें। पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम बिताएं। बच्चा समय पर बोलना नहीं सीख रहा तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चों को बोलने में परेशानी हो रही है और देर से बोल रहे हैं या उनका चेहरा जो है वो आपस में नजर नहीं मिलाते माँ बाप से वो अपने, तो ये परेशानी जो है अभी जो है फोन हमारी व्यवहार में और हमारी कल्चर में फोन के आने की वजह से जो है बहुत ज्यादा उभर रही है। जैसे 1 साल का बच्चा माँ बा दा बोलता है, बाय बाय करता है, इशारों से चीजों को समझने की कोशिश करता है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है, उसका नाम लेने से वो उस तरफ देखता है, तो ये सब चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा। और बच्चा अगर फोन ज्यादा यूज कर रहा है तो डॉक्टरों के मुताबिक 100 में से 1 बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार बन रहा है, तो जरूरत है आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाएं, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और मोबाइल लैपटॉप टीवी देखने में ज्यादा समय न बिताने दें। आकाश शुक्ला, रायपुर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।